Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss about the language development among preschoolers. और इसको हम discuss करेंगे और आज देखेंगे एक video package के through. और मुझे उम्मीद है कि जब आप ये video package देखेंगे, जहाँ पे preschoolers अपने teacher के साथ language development के मुख्तलिफ मराहिल से गुजर रहे हैं, आपके लिए बहुत informative होगा और आप बेहतर अंदाज से लैंग्वेज डेवलपमेंट अमंग प्री स्कूलर्स को समझ सकेंगे. आई विल डिस्क्राइब द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ प्री स्कूलर्स. स्टूडेंट्स, एज यू नो, द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ प्री स्कूलर्स इज एट द हाई स्पीड. जितनी तेज़ी से उनकी वोकैबुलरी डेवलपमेंट हो रही होती है, जितने रैपिडली वो इसमें एडिशन कर रहे होते हैं, और जितना उनका जो ग्रामर एंड सिंटैक्स है वो इस एज पे डेवलप हो रहा होता है, वो किसी और स्टेज पे इतना उसकी डेवलपमेंट रेट ज़्यादा नहीं होता. सो हम ये देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो स्मॉल सेंटेंस से, छोटे जुमलों से वो बड़े जो जुमले हैं वो अदा करना सीख रहे होते हैं. दो लैंग्वेज कोई भी हो जिसमें भी उनको एजुकेशन दी जा रही होती है, वो उसी के साथ उसे बेहतरीन तरीके से डेवलप कर रहे होते हैं. सो हम इसमें देखते हैं कि बच्चे जो हैं कुछ अपना जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो ऐड भी कर रहे होते हैं साथ साथ. सो लैंग्वेज डिवेलपमेंट एट प्री स्कूल एज इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ वन्स लाइफ. और इसमें जो अगेन जो टीचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, और वो उसमें अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस को भी ऐड करते हैं. जी मिस रायमा. जी बिल्कुल, हम प्री स्कूलर में लैंग्वेज को डेवलप कर रहे हैं. जैसे कि आपने वर्ड्स देखे हैं, अल्फ़ाबेट्स हमारे पास पीछे लगे हुए हैं आपके पास, और इनमें हमारे पास मेंशन है. हमने हर लेटर के साथ एक जो है वर्ड आपको दिया हुआ है. फॉर एग्जांपल, ए से एप्पल है, बी बनाना. बच्चों को आप पहले वर्ड सिखाते हैं कि पहले वो वर्ड को रिकग्नाइज करना सीखें, वर्ड को वो लेटर, लेटर से वर्ड बनाते हैं कि इस लेटर से ये वर्ड हो सकता है और इस तरह बात हो सकती है. जब आहिस्ता आहिस्ता बच्चे बढ़ते हैं तो उनमें वो देखते हैं कि उन्होंने सेंटेंस बनाना है उसी का. इसमें मिस रायमा एक स्टेज ये भी आती है कि आप इनको फोनिक्स भी सिखाते हैं, फोनेटिक्स जिसे बोलते हैं. फोनेटिक्स सिखाते हैं, जैसे अ की आवाज़ है, किस तरह है, वो सारा कुछ हम इनको सिखाते हैं. उसके बाद सबसे पहले तो हमारे पास प्रोनंसिएशन है. जब वो सिखा चुके हैं, अब इस स्टेज पे आके आप उनको सेंटेंस बनाना सिखाते हैं कि एप्पल इज़ रेड, देयर इज़ वन एप्पल, एप्पल इज़ रेड, एप्पल इज़ ग्रीन. ये चीज़ें आप उनको सिखाते हैं कि वो एक सेंटेंस फॉर्म में उसको लेना शुरू कर देते हैं. इसके बाद सिमिलरली आप उनको, जैसे वो किसी से सोशलाइज भी कर रहे हैं तो उसमें भी उनकी लैंग्वेज डेवलप हो रही है. फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक पिक्चर में भी दिखा देती हूँ. ये हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में भी है और उर्दू में भी है, और ये सब कुछ हम बच्चों को सिखाते हैं. जैसे कि एक बच्चा है, वो ग्रीट कर रहा है अस्सलामु अलैकुम, और दूसरा उसको कह रहा है वालेकुम अस्सलाम. फिर आप उससे हाल पूछ रहे हैं कि क्या आपका नाम क्या है, तो वो उसको अपना नाम बता रहा है कि मेरा नाम अली है. इस तरह ये आपकी चीज़ें जो हैं बच्चे आहिस्ता आहिस्ता डिवेलप करते हैं. ये सब उनकी लैंग्वेज डिवेलप हो रही है कि बेसिकली आप देख रहे हैं वो किसी को ग्रीट कर रहा है या उसका हाल पूछ रहा है या नाम पूछ रहा है, लेकिन एक्चुअली डिवेलपमेंट ऑफ देयर लैंग्वेज है. जब इसी स्टेज में हम बात करें लैंग्वेज डेवलपमेंट की, कुछ और चीज़ें भी एडिशन होती हैं. यहाँ पर बच्चे कुछ वर्ड सीख रहे हैं जिसे उन्होंने ना करना सीखा है, नो दैट आई डोंट वांट टू डू दिस. ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें अपनी वोकैबुलरी में ऐड करता जाता है. ये जो आप अभी बात कर रहे हो कि वो नो कहना सीखते हैं, तो ये उनकी जो ऑटोनॉमी है और जो इंडिपेंडेंस है, ये उसकी तरफ उसकी इंडिकेशन होती है. यहाँ पे वहाँ उनकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही होती है, और वो थिंकिंग जो उसकी है, कॉग्निशन, वो भी डेवलप होती है. सो जब लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है तो हम ये देखते हैं कि उनके अंदर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना भी आता है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ती हैं. अभी जैसे मैं बता रही हैं कि वो नो से स्टार्ट करते हैं, यस यस आई वांट दिस, या मुझे ये चाहिए, मैं ये नहीं करूंगा. ये स्मॉल सेंटेंस है, वो एक लंबे जुमले की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं. सो ये एडिशनल जो उनके अंदर एबिलिटी आती है, वो आजादाना तौर पे जुमलों को, अल्फाज को बयान करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना भी सीख रहे होते हैं. बिल्कुल ऐसे ही. अभी वो ये तो सीख रहे हैं कि हमने यस करना है या नो करना है, लेकिन अभी वो उसकी रीज़न बिहाइंड नहीं दे सकेंगे आपको, बिकॉज दिस इज़ प्री स्कूल. जब वो प्राइमरी ग्रेड तक जाएंगे तब वो ये बताना सीखेंगे कि अगर मैंने नहीं कहा है किसी चीज़ को, इफ़ आई एम सेइंग नो आई डोंट नीड दिस,
देन व्हाई आई डोंट नीड दिस, ये मैं अभी नहीं बता सकता, फिर वो आपको नहीं जवाब दे पाएंगे. लॉजिक जी रैशनल नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे. सो बेसिकली उनकी लैंग्वेज लेकिन डेवलप हो रही है कि वो नो कह रहे हैं लेकिन वो बिकॉज का आंसर आपको नहीं दे सकेंगे अभी.